जरूरी सूचना आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है नॉर्मली, ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए साथियों, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बताया था कि बहुत जल्दी ही आपको UPSC से कुल सचिव की वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया योग्यता क्या होगी, पोस्ट कितनी होगी, बहुत सारे लोगों के सवाल थे। अच्छा, उस समय तक मुझे भी इसके बारे में जानकारी नहीं थी कि इसकी योग्यता वगैरह क्या होती है, लेकिन अब जो है फाइनली ये वैकेंसी आ चुकी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक कल से जो है इसके जो आवेदन है वो प्रारंभ हो चुके हैं और 5 अक्टूबर तक इसके आवेदन चलेंगे। आवेदन करने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको इसमें करनी है वो है OTR, याद रखना। अगर आपका OTR नहीं है तो ये आप आवेदन नहीं कर पाओगे। तो OTR आपको मिल जाएगा, आपको ये साइट वाइड इतना बिजी नहीं है, 72 घंटे में, मतलब 72 घंटे पहले आपको OTR करना होगा। अभी अक्टूबर में समय है तो बहुत आसानी से जो है आप इस फॉर्म को भर सकते हो। OTR करना ज़रूरी है, ये बात ध्यान रखना। तो ये वैकेंसी जो है आ चुकी है, उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय सेवा सहायक कुल सचिव, ये पोस्ट का नाम है। ठीक है, अच्छा अगर हम पोस्ट में जो हमारे काम की चीज़ें डायरेक्टली वही देखें, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है जो पोस्ट हैं अभी इनकी संख्या काफ़ी कम है, ये है कितनी, 38, ध्यान रखना अभी 38 हैं पोस्ट। और इसके लिए जो परीक्षा होगी वो केवल एक लिखित परीक्षा होगी, यानी इसमें मेंस जैसा कुछ नहीं है, इसमें केवल एक एग्ज़ाम होगा प्री ही कह लो, उसके बाद आपको साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट इंटरव्यू होगा एग्ज़ाम के बाद, और फिर आपका रिटन एग्ज़ाम और इंटरव्यू के बाद जो भी आपके नंबर आएंगे उसके आधार पर जो है आपका सिलेक्शन होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। संख्या भी 38 है, जो कि घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है, घटने का कोई चांस नहीं होता, हमेशा बढ़ती है। ठीक है, तो ये वैकेंसी आ चुकी है और ग्रुप बी की वैकेंसी है। ठीक है, लेवल 8 की नौकरी है और बढ़िया नौकरी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, यूनिवर्सिटी की नौकरी है, बहुत ही अच्छी। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, ये जो पोस्ट है कुल सचिव की, ये जो विश्वविद्यालय में जो उप कुलपति होते हैं उनके सहायक होते होंगे। ठीक है, उनके सहायक संभवतः ये होते होंगे उप कुलपति के। तो ये जो है इसके लिए वैकेंसी आ चुकी है। अब जरा सीधे चलते हैं कि इसमें जो है एज वेज क्या मांगी है वो देखते हैं जरा। ठीक है, चलिए, तो एज जो है इसमें देख लीजिए, एज है 1 जुलाई 2024 को 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो न्यूनतम, और 45 से अधिक आयु का ना हो। यानी इसमें अगर आपकी एज 21 है तो आप फॉर्म नहीं डाल पाओगे, सीधी बात है। ये थोड़ा सा अजीब चीज़ है, आप लोगों ने इसको सुना नहीं होगा। ठीक है, यानी 30 साल से लेके 45 साल के लोग ही इसमें फॉर्म डाल पाएंगे। यानी 1 जुलाई 1994 को आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, कितनी आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, 30 वर्ष। अगर इससे कम है, मान लो आप 29 साल के हो या 28 साल के हो, तो आपको ये फॉर्म भरने का अवसर नहीं मिलेगा, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, बाकी जो है एज में छूट भी यहाँ पर जो है मिलती है, जो भी चीज़ें होती हैं वो यहाँ पर मिलती हैं। ठीक, इसके अलावा अब हम चलते हैं इसकी योग्यता पर, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसे आप जानना चाहते हैं। योग्यता की अगर हम बात करेंगे तो योग्यता है किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या उसका समकक्ष, और हिंदी का अच्छा ज्ञान होना चाहिए आपके लिए। दूसरा, किसी राजकीय कार्यालय या विश्वविद्यालय कार्यालय में न्यूनतम 7 वर्ष का अनुभव हो। ठीक है, यानी आप किसी विश्वविद्यालय में ऑलरेडी, मतलब विश्वविद्यालय के किसी भी ऑफिस में 7 साल तक काम कर चुके हों तभी आप इस फॉर्म को डाल पाएंगे, सामान्य विद्यार्थी इस फॉर्म को नहीं डाल सकता। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जब आप फॉर्म भरेंगे तो ये संलग्न किया जाना जरूरी है। और योग्यता जो है इसमें, जैसा कि मैंने बताया कि स्नातक इसमें योग्यता मांगी गई है।
ठीक, पेपर जो होगा उसका पैटर्न क्या है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए ठीक है, पैटर्न भी देख लेते हैं। ये देखो यहाँ पर ये परीक्षा पाठ्यक्रम है, एक ही पेपर होगा तो मेंस जैसा कुछ नहीं है, एक ही पेपर में सारा कुछ है। इसमें जीएस का पेपर होगा 3 घंटे का, सामान्य हिंदी का होगा 3 घंटे का, उत्तर प्रदेश वित्तीय नियम एवं कार्यालय प्रक्रिया संबंधी नियम का एक अलग पेपर होगा, ठीक है 3 घंटे का 100 अंक में, और फिर आपका होगा इंटरव्यू 50 अंक का। तो 200 नंबर की जीएस होगी, 200 नंबर की हिंदी होगी, 100 नंबर का आपका कार्यालय संबंधी पेपर, और टोटल जो है 550 नंबर का ये पेपर होगा। इंटरव्यू भी है इसमें, और उसके बाद जो है आपकी फाइनली मेरिट आएगी, और आप अगर इसमें सेलेक्ट होते हैं तो आपका चयन होगा। क्या क्या चीज़ें आएंगी वो भी देख लो यहाँ पर। इसमें जीएस में तो जो पूरा का पूरा जीएस है वही रहता है, इतिहास भूगोल वगैरह, ठीक है करंट अफेयर सब कुछ वही रहेगा सारा कुछ। और हिंदी में देखिए क्या इसमें आएगा, हिंदी में निबंध आएगा 40 अंक का, गद्यांश आएगा, ठीक है, और गद्यांश में जो है आपको जो शीर्षक ढूंढना होगा, गद्यांश का मूल सारांश और रेखांकित शब्दों की व्याख्या। हिंदी आलेखन में जो है शासकीय पत्र, अर्धशासकीय पत्र, ठीक है परिपत्र, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। इसके अलावा पर्यायवाची, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वर्तनी शुद्धि, जो भी आपका आरओ यारो में जो हिंदी का सिलेबस होता है वही है। इसमें उपसर्ग और प्रत्यय भी हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, आरओ यारो में ये नहीं आते। इसके अलावा ये आप पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, उत्तर प्रदेश वित्तीय नियम व कार्यालय प्रक्रिया का पाठ्यक्रम, ये भी है, ये भी आपके पेपर में पूछा जाएगा। यहाँ पर आप देख लो, इसको देख लो, मैं इसे बताऊंगा नहीं क्योंकि हमारे जो नॉर्मल विद्यार्थी हैं उनके काम की चीज़ नहीं है, और ना ही उनके पेपर में ऐसी कुछ चीज़ आती है, और जो नॉर्मल कैंडिडेट हैं वो इसको भर भी नहीं सकते, तो इस वजह से इसको एक्सप्लेन करने का इतना मतलब नहीं है। अब मैं यहाँ धीरे धीरे आगे करता हूँ, आप चाहो तो उसको पॉज करके देख सकते हैं। तो ये जो है सारा का सारा आपके जो है एग्ज़ाम में आने वाली चीज़ है, और अगर आप इसकी योग्यता रखते हैं तो बिल्कुल फॉर्म इसका भरिए, है ना। उप कुल सचिव की पोस्ट आपकी रहेगी, और बढ़िया पोस्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अगर आप इसकी योग्यता रखते हैं तो फॉर्म को जरूर भरिए, फॉर्म आ चुका है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।